हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परमान होममेड में। और आज हम बनाने वाले हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम पतीले में सबसे पहले एक कप मिल्क लेंगे। और यहाँ पर हमने फुल फैट मिल्क लिया है और इसमें दो कप हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और आप देख सकते हैं हमने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और बिल्कुल भी लम्स नहीं है। दोस्तों, इस तरह ही इसे मिलाना है कि जैसे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिला लिया है और बिल्कुल भी लम्स नहीं दिखाई दे रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने पैन लिया हुआ है और इसमें जो हमने मिक्सर तैयार किया है वो ऐड करेंगे। और अभी हमने यहाँ पर गैस को ऑन नहीं किया है। पहले सभी मिक्सर को इसमें ले लेते हैं। और फाइनली दोस्तों, अभी हम गैस स्टोव को ऑन कर लेंगे। और जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल ही लो पर रखनी है। और यहाँ पर जो हम कुकिंग करने वाले हैं और पूरी की पूरी कुकिंग हम लो फ्लेम पर रखकर ही करेंगे, ना ही हम इसे मीडियम या हाई पर करेंगे, बिल्कुल ही लो पर रखकर कुकिंग करेंगे। और अभी हम इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे। और साथ में थोड़ा सा कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर भी स्प्रिंकल करेंगे चुटकी भर। और साथ में थोड़े से केसर के धागे भी ऐड करेंगे, इससे दोस्तों इसका जो कलर है काफ़ी बहुत ही बढ़िया आता है। और आधा कप इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार ऐड कर सकते हैं। और दोस्तों, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। और जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल ही लो पर रखेंगे। और इसे हमें लो फ्लेम पर रख कर इस तरह चलाते रहना है कंटिन्यूसली, इसे छोड़ना नहीं है, बिल्कुल इस तरह से चलाते रहना है। और करीब 1 से 1.5 मिनट तक इसे पकाना है। बहुत ज़्यादा देर तक इसे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट तक इसे हमें कुक करना है। और दोस्तों, 1 से 1.5 मिनट के बाद ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा मिक्सर है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अभी हम गैस फ्लेम को कर देंगे बंद और जो मिक्सर है हम बाहर निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, जब भी आप मोदक मिल्क पाउडर में से बना रहे हो तो आपको एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि इसे बहुत देर तक पकाना नहीं है, 1 से 1.5 मिनट तक ही पकाना है। और बाद में आपको गैस फ्लेम को बंद कर देना है और इसे बाहर निकाल कर ठंडा कर लेना है। अभी हम इसे बाहर निकाल लेंगे और अच्छे से इसे ठंडा कर लेंगे। और फाइनली दोस्तों, यहाँ पर हमने मिक्सर को बाहर निकाल लिया है और काफ़ी अच्छे से ठंडा भी हो गया है। अभी हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को हाथों से मसल लेंगे। और ये फाइनली दोस्तों हमारा मिक्सर रेडी है मोदक बनाने के लिए। अभी हम अपने हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से, आप देख सकते हैं। और अभी हम हाथों में थोड़ा सा मिक्सर लेंगे और इसमें से छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने छोटा सा बॉल तैयार कर लिया है। और इसे अभी हम ऊपर से धीरे धीरे से प्रेस करेंगे जैसे कि इसका जो शेप है मोदक जैसा हो जाए। और इस तरह हमें इसे प्रेस करते हुए मोदक का शेप दे देना है, बिल्कुल इस तरह से। और ये दोस्तों हमारा मोदक तैयार हो गया है। और ये जो मोदक है हम बिना मोल्ड के बनाने वाले हैं, तो अभी हम इसमें स्पून का यूज़ करेंगे। और स्पून से इसे साइड साइड में इस तरह से प्रेस कर लेंगे जैसे कि हमारा जो मोदक है बहुत ही बढ़िया तरीके बन जाए और बहुत ही बढ़िया दिखने लगे। और फाइनली दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोदक है वो रेडी हो गया है और बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और इस तरह ही हम सेम प्रोसेस बाकी के मिक्सर के साथ करके मोदक तैयार कर लेंगे। और देख सकते हैं यहाँ पर हमने मोदक को तैयार कर लिया है, बहुत ही बढ़िया दिख रहे हो और बहुत ही टेस्टी भी बने हैं। अगर दोस्तों इस तरह आप अपने घर पर बनाएंगे तो आपके मोदक भी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको ये हमारी रेसिपी, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे कि ऐसे ही वीडियो के अपडेट आपको रोजाना मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी पर। थैंक यू फ्रेंड्स।